गाइज, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे फोन के अंदर एक सबसे अच्छा कैमरा हो। तो अगर आपको भी एक सबसे अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना है, वो भी 20,000 में, तो आज मैं आपको टोटल 5 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जिनका कैमरा बिल्कुल टॉप नॉच होगा, एंड इन सभी स्मार्टफोन को आप लोग 20,000 के प्राइस में परचेज कर पाओगे। तो चलिए अब इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे शुरू में बात करते हैं नंबर 5 की, तो इस पोजिशन पर आता है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G। ये फोन गेमिंग एंड कैमरे का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो जिन लोगों को कैमरे के साथ साथ गेमिंग फोन भी लेना है उनके लिए ये स्मार्टफोन एक अच्छी चॉइस हो सकती है। वैसे ये फोन 48+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरे पर आता है, एंड जो सेल्फी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। 4K वीडियोस आप लोग इसके बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर पाओगे। इसकी कैमरा ऐप में आपको ज्यादा कुछ खास फीचर तो नहीं मिलेंगे, बट मेन बात आती है क्वालिटी की। तो डे लाइट में इस फोन के कैमरे से आप लोग काफी अच्छे फोटोज क्लिक कर पाओगे, एंड सेल्फी के जो फोटोज हैं वो थोड़े सॉफ्ट आते हैं, एंड लो लाइट में इस स्मार्टफोन का कैमरा एवरेज है। लेकिन परफॉर्मेंस एवरेज नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्राइस परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की टॉप नॉच है, क्योंकि ये स्मार्टफोन डायमेंसिटी 920 के प्रोसेसर पर आता है और ये प्रोसेसर इस प्राइस में काफी पावरफुल माना जाता है। गेमिंग में ये स्मार्टफोन आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देगा, एंड इसको ठंडा करने के लिए इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम लगा है। 90 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले पर ये स्मार्टफोन आता है, एंड ये एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है। डिस्प्ले में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन डिब्बे में चार्जर मिल जाएगा, वो भी 33 वोल्ट का, और बैटरी होगी 5000 mAh की। फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो ज्यादातर ये फोन अपने बेस मॉडल के साथ अमेजोन पर अंडर 20,000 में बिकता है, तो आप लोग आसानी से इस स्मार्टफोन को अमेजोन पर 20,000 के प्राइस में परचेज कर पाओगे। अब बात अगले स्मार्टफोन की आती है, तो नंबर 4 पर आता है Xiaomi की तरफ से Redmi 11i HyperCharge। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, Redmi के स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों के फोन डेड भी हो चुके हैं। तो इस फोन को लेने से पहले ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब इसके स्पेक्स पर आएं, तो इसमें 108+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा इसकी बैक साइड में लगा है, और आपके थोपड़े के फोटोज क्लिक करने के लिए 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियोस को 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाओगे। ओवरऑल मुझे इस स्मार्टफोन का कैमरा अच्छा लगा, लेकिन डिस्प्ले से स्मार्टफोन की काफी अच्छी है। 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले से स्मार्टफोन में लगी है, और ये एक 120 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि प्रोटेक्टेड है गोरिल्ला ग्लास 5 से, एंड ये एक टॉप क्लास की डिस्प्ले है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज आप लोगों को इसकी डिस्प्ले में नहीं करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्मार्टफोन 120 वोल्ट के सुपर फास्ट चार्जर के साथ आता है, जो कि 4500 mAh की बैटरी को 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देता है। ये फोन डायमेंसिटी 920 के प्रोसेसर पर आता है, एंड यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। गेमिंग में तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल टॉप क्लास परफॉर्म करेगा। अब बात करें प्राइस की, तो MI स्टोर पर इसके 6128 वाला मॉडल आपको 20,000 का पड़ जाएगा, और ये प्राइस ऑफर लगाने के बाद का है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की, तो नंबर 3 पर आता है Samsung Galaxy M33 5G। Samsung का One UI इस टाइम पर सबसे अच्छा माना जाता है, तो इसलिए इस फोन में आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा मिलेगा। अब इसके कैमरे की बात की जाए, तो ये स्मार्टफोन 50+5+2+2 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे पर आता है, और सेल्फी 8 मेगापिक्सल की है, वो भी नोच वाली। इसके बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियोस को 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाओगे, एंड फ्रंट कैमरे से आप लोग ओनली 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड सकते हो। इसके कैमरे में आपको मैजिक इरेजर नाम का एक फ्लैगशिप फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से आप लोग फोटो से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। एंड नो डाउट गाइस, इसी स्मार्टफोन का कैमरा रियलमी एंड Xiaomi जैसी ब्रांड से तो कई गुना अच्छा है। अब इस स्मार्टफोन की प्यारी सी डिस्प्ले पर आते हैं, इसमें 6.6 इंच की फुल HD+ वाली LCD डिस्प्ले लगी है, और ये एक 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, एंड प्लस गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो ठीक है, बट यार एमोलेड होती तो क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी होती। लेकिन इस स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको नोक्स की सिक्योरिटी मिल जाएगी, और 2 साल का मेजर अपडेट मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड मिलेगा, और इसमें आप लोग 2 SIM और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन Samsung Exynos 1280 के प्रोसेसर पर आता है, और ये प्रोसेसर 5nm पर बेस्ड है। अंतुतु स्कोर इसका 4 लाख के प्लस आता है, और परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी मिल जाएगी। ये एक Samsung का फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस में कोई भी डरने वाली बात
नहीं है। अब बात करें बैटरी की, तो भाई बैटरी नहीं, यहाँ पर आपको 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा मिलेगा, लेकिन डिब्बे में चार्जर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसके 6128 वाला मॉडल आपको 16000 का पड़ेगा और 8128 वाला मॉडल आपको 17500 का पड़ जाएगा, और इस प्राइस पॉइंट में ये काफी अच्छा कैमरे वाला स्मार्टफोन है। चलिए अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की, तो नंबर 2 पर आता है मोटो G82। ये इंडिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जिसके कैमरे में OIS मिलता है। इसके बैक में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसमें OIS है, बाकी 8 और 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं, और फ्रंट साइड में आपके थोपड़े के फोटोज क्लिक करने के लिए 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। 4K वीडियो आप लोग इसके कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका प्रोसेसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैपेबल नहीं है। अब कैमरा क्वालिटी पर आए, तो इसके कैमरे में आपको वीडियो स्टेबलाइजर, डुअल वीडियो बूके, नाइट विजन, प्रो मोड जैसे फीचर मिलेंगे जिनकी मदद से आप लोग काफी अच्छे अच्छे फोटोज एंड वीडियोज ले पाओगे। एक अच्छे लेवल का कैमरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब बात करें डिस्प्ले की, 6.55 इंच की OLED डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में लगी है और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है। भाई डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल टॉप नॉच है, बिलियंस ऑफ कलर का डिस्प्ले एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में लगा है, एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आपको 13 5G के बैंड्स मिलेंगे, तो ये स्मार्टफोन 5G को लेकर आपके फ्यूचर को बिल्कुल सिक्योर कर देता है। इसमें आपको बिल्कुल क्लीन UI मिलेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको फालतू के एड्स वगैरह दिखाई नहीं देंगे। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड मिलेगा, और ये स्मार्टफोन 33 वोल्ट के चार्जर के साथ आता है, और बैटरी है 5000 mAh की। प्राइस के बारे में बात करें तो इसके 6128 वाला मॉडल आपको 20000 का पड़ जाएगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे टॉप नॉच कैमरा स्मार्टफोन के बारे में, तो नंबर 1 पर आता है Vivo T1 Pro 5G। इसके बैक में 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की नोच वाली सेल्फी है। इसके बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसकी कैमरा ऐप में आपको सुपर नाइट मोड, पोर्ट्रेट फोटो, डुअल व्यू जैसे फीचर्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप लोग काफी अच्छे फोटोज ले पाओगे। ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 778G के पावरफुल प्रोसेसर पर आता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी, स्मूथ एक्सट्रीम तक गेमिंग इस स्मार्टफोन से आप कर पाओगे। 6.4 इंच की AMOLED डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में लगी है जो कि 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल जबरदस्त है, और डिस्प्ले में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इसमें 3.5 mm का जैक नहीं है, बट अच्छी बात यह है कि 66 वोल्ट का बड़ा चार्जर आपको डिब्बे के अंदर मिल जाएगा, और बैटरी है 4700 mAh की। बात करें प्राइस की, तो इसके 628 वाला मॉडल आपको फ्लिपकार्ट पर ऑफर वगैरह अप्लाई करने के बाद 21000 का पड़ जाएगा। तो गाइस अगर आप लोगों को अभी के टाइम पर 20000 के प्राइस में सबसे टॉप नॉच कैमरा स्मार्टफोन लेना है तो Vivo T1 Pro 5G आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये हैं इस टाइम के 5 सबसे अच्छे कैमरा स्मार्टफोन। अब आप लोग अपने बजट और पसंद के अकॉर्डिंग इन 5 में से किसी भी एक स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अगर मुझे इन 5 में से कोई एक स्मार्टफोन परचेज करना होता तो मैं परचेज करता Vivo T1 Pro 5G को। आप लोग किस स्मार्टफोन को परचेज करोगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई होप वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।